और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कल से, जब पता लगा कि होली मनाने पे हमारी वो हायर एजुकेशन कमीशन की कोई ऑफिसर हैं, वो भी एक लेडी हैं कोई, उन्होंने जी हुक्म कर दिया। अब यार इनको कोई अकल नहीं है, ये किस दुनिया में रहते हैं? ये कभी देखते नहीं कि इन पॉलिसीज का असर एक तो पाकिस्तान पे बहुत बुरा है, एक दुनिया में क्या लोग समझेंगे कि ये इतने अहमक है कि एक छोटी सी खुशी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम हर वक्त खतरे में होता है, एक होली से भी खतरे में होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो तब भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये इन्होंने अपने ही मजहब की बजाय सेंटिटी के उसको ऑब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट बना लिया है, मतलब लोग हंसते हैं कि ये क्या बातें करते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और एक बहुत तमाशा लगा, चाहे वो एक दिन का था कि उन्होंने आज जो है अपने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, लेकिन जो एक मजाक उड़ना था, जो एम्बेरसमेंट होनी थी वो तो हो गई, उससे तो बिल्कुल बचा नहीं जा सकता। अब शोर मचाने के ऊपर इन्होंने वापस जरूर ले लिया है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये बता दिया कि इनका माइंड सेट जो है वो किस तरह का है। माइंडसेट कितना है, तंग नजर, यानी तंग नजरी की भी तो एक हद होनी चाहिए ना। हमारे बिल्कुल 1.6% वैसे भी हिंदू पॉपुलेशन है, 230 मिलियन में यानी 5 मिलियन हो जाते हैं वो, तो वो कई बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो ना भी पढ़ते हो उनके दोस्त, क्या उनको ये हक नहीं है एक छोटी सी खुशी मना लेने का? सर, और 6% भी इनको नहीं रह गए होंगे, सर 6% से भी वही बहुत कम रह गए होंगे। उनको पकड़ पकड़ के, उनकी बच्चियों को जिस तरह से किडनैप किया जाता है और जी कन्वर्ट कोई किया जाता है हमारे यहाँ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं, शायद 2% ही छुपी रह गए बात। होंगे अब तो। और जी ये एक औरत हो के इस लेडी ने ये पास किया है, यानी सोचा जाता है कि मर्द ही ज्यादा होते हैं कंजर्वेटिव, वो तो सबकी लगती है सरदार निकली है जिसने ये कानून इशू किया होगा। बाद में अब मुंह पे चपेट नहीं पड़ी जब उसको विड्रॉ कर लिया गया। एक्चुअली उसको जिस ऑफिस पे वो है उसको रिमूव कर देना चाहिए, शी इज नॉट फिट टू होल्ड बिल्कुल सच रिस्पॉन्सिबल ऑफिस इन माई ओपिनियन। सर, यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है कि एक लाल मस्जिद है इस्लामाबाद में, शायद आपने कभी नाम सुना, जिसके ऊपर जनरल जी परवेज ऑपरेशन मुशर्रफ ने ऑपरेशन भी किया था। और एक भी वो किया, वाहिद काम है जिसपे मैं जनरल परवेज मुशर्रफ को बड़ा अप्रिशिएट हमेशा करती रही कि उन्होंने एक अच्छा काम किया था। लेकिन खैर, इनको पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सका, और वहां के लोग भी 2 दिन से इतना हंगामा उन्होंने कर रखा है। और क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, खातून की बात पहले हुई है, तो यहाँ इनकी खवातीन जो बाहर निकली हैं उनका ये कहना है कि जी आप लोग, यानी पाकिस्तान के लोगों को, पुलिस वालों को कहती, तुम लोग सुसाइड बॉम्बर्स को भूल गए हो, एक भी आ गया ना तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इस किस्म की बातें ये मदरसे के लोग, और उसके बाद कहते हैं पता नहीं हम FATF में क्यों चले गए। पता नहीं ये क्या बकवास है। ये इतनी एम्बेरसमेंट मुझे यहाँ होती है, लोग बार बार जो मुझे मिलते हैं ना पहचान लेते हैं। कल हम थे एक शॉपिंग मॉल में, टू यंग मैन मेट मी, तो वो भी कहते थे हम देखते हैं पाकिस्तान का ये हाल तो हमें दुख होता है कि वहाँ पे लोगों के साथ ना उनका कोई फ्यूचर है ना कुछ। और तो वो यहाँ लोग दर्द कर रहे हैं पाकिस्तान की बुरी हालत का, हम ये लानत भरी बातें करने शुरू कर देते हैं कि होली भी जो है वो नहीं मना सकते लोग। तो ये एक वो क्या कहते हैं, एक आइडियोलॉजी की वो एम्प्टीनेस हॉलोनेस नजर आती है, उसमें कोई ठोस बात नहीं है। यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडेंटिटी, वो क्या कांच की गुड़िया है कि जरा ये किया तो वो टूट जाएगी? मुझे कल से मेरी डिप्रेशन हुई, लेकिन फिर आज मुझे किसी ने कहा कि सर वो रूल हुकूमत ने रिमूव कर दिया, तो मुझे थोड़ा उसका ना वो फिर चैन आया। बिल्कुल, लेकिन आखिर उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अच्छा हुआ कि इन्होंने जो है वो वापस ले लिया नोटिफिकेशन, और थोड़ी स्पीड दिखाई है, क्योंकि जाहिर है IMF से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और दुनिया में कहीं भी कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसमें अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा जो है वो दीवार के साथ लगता चला जाएगा पाकिस्तान, तो इनको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। जी चले बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम बात करें इस वक्त की गवर्नमेंट की और जो पाकिस्तान की हालत है जिस तरीके से इकोनॉमी की, तो आपसे लोग मिलते होंगे, वो क्या बात करते हैं? क्योंकि इंडिया को अगर हम देखें तो वो इकोनॉमी उनकी काफ़ी बेहतर हुई है, बल्कि नंबर 5 पे वो जा चुके हैं, और उसमें बहुत हाथ जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट का है,
वो कहा यही जाता है कि गुजराती तो सर हमारे यहाँ भी बड़े कारोबारी होते हैं जो कराची में और कई जगह पे, तो वही चीज जो है वो पीएम मोदी के साथ भी है। तो सर ये सीखते क्यों नहीं है कुछ, बल्कि हमारे गेस्ट और आए थे वो कहने लगे कि पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो विजिट है मोदी जी का उसको देखें और सीखें कि हम कहाँ पर गलत हैं और क्या हमें हम क्या चीज सही कर सकते हैं। ये तो बड़ा नेक उन्होंने वो एडवाइस दी है, तो मैं भी उनकी इस एडवाइस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि इनके इन पे किसी चीज़ का असर नहीं होना। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हालांकि शहबाज शरीफ इज अ ब्राइट मैन, गाना भी गा लेते हैं, कई जुबानें जानते हैं, लेकिन जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वहाँ की मजबूरियाँ कुछ और हैं। तो अकल होते हुए भी वहाँ पे बेवकूफ़ों वाली हरकतें करनी पड़ती हैं। हमारे जो थोड़े से इन्फॉर्म्ड लोग हैं ना, दुनिया जिन्होंने देखी हुई है। खैर ये फैसला तो बड़ा अच्छा है ना कि इन्होंने वापस ले लिया वो जो बैन लगाया था होली के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन सर आप इंडिया में हैं और आपके गाने से मुझे याद आया कि आप तो खुद भी बहुत शौकीन है म्यूजिक वगैरह के, कोई कंसर्ट वगैरह या कोई गजल की महफिल ऐसी कुछ अटेंड नहीं की आपने? देखिए मेरे पास चॉइस तो थी कि मैं ये चीज़ें भी करूं, लेकिन क्योंकि मेरे पैगाम के लिए इतने लोग बेताब हैं मुझसे बात करने के लिए, तो ये हुआ है कि हर महफिल में मुझे गाना गाना पड़ा, तो मैंने गाने सुनाए। पहले मैंने लेक्चर दिया 2 घंटे, उसके बाद 3-4-5 गाने भी सुनाए हैं, तो मैंने हर तरीके से एंटरटेन किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई कम तो मैंने बताने नहीं कि मैं आया हूँ, वरना मुझे तो लोग छोड़ते नहीं है, एयरपोर्ट पे पहचान लेते हैं। अब ये कहते हुए मुझे वो थोड़ी सी खुशी तो बहुत हो रही है कि इस तरह आदमी अपनी तारीफ ही कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। बट उससे ये होता है कि आप इतने उनकी मोहब्बत है तो फिर आप सोचते हैं यार मैं गजल कभी फिर सुन लूंगा, अभी तो ये मेरे पैगाम के लिए लोग बेताब हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है। तो ऐसे मैं जो है ना अपने उस इंटरेस्ट को साइड पे रख के जो लोगों का इंटरेस्ट है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एंड आई टेल यू इतनी गुडविल है यहाँ पे, अगर इन्हें ज़रा अकल आ जाए। लेकिन एक और बात बता दूँ, हिंदुस्तान ने जो फैसला किया है जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इंडो पाक वाला जो था ना हाइफन रिलेशनशिप, उन्होंने कहा ये ख़त्म हो गया, अब वो अपने आप को इंडिया पैसिफिक डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन पैसिफिक ओशन पे है और दुनिया की तरफ है। पाकिस्तान दोस्ती करना चाहे ना करना चाहे, दे आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। बुनियादी बात ये है, ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है। इस ये सुन के मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि यार हमारी बिल्कुल ही छुट्टी हो गई है इंडिया के उस सोच के अंदर। वो कहते हैं यार कैसे आपसे आपके मुतालिक हम कुछ भी सीरियसली सोचें जब आपकी हुकूमतें इतनी वो क्या कहते हैं बेकार हैं, एस्टेब्लिशमेंट बेहुदा किस्म के कानून बना देती है, रूल बना देती है। तो इसलिए वो कहते हैं वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, वी आर नो लॉन्गर इंडिया हाइफन पाक, इंडो पाक वाला हाइफन उन्होंने कहा हमने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। तो ये अगर समझ आ जाए पाकिस्तान को कि इंडिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिया से नॉर्मल रिलेशंस करने का, ट्रेड करने का। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी ट्रेड के अंदर भी वहाँ पे वो गुंडागर्दी है कि दुबई के जरिए ट्रेड तो हो रही है, 5 गुना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट है, तो आम कंज्यूमर के लिए वो चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जो मिडिल हैंड्स हैं उनकी मौजें मौजें हैं। यही अगर वाघा और अटारी का बॉर्डर खुल जाए और ये सिंध का जो है, तो वो इंटरेस्ट जो कराची में बैठे हुए हैं और शायद बॉम्बे में बैठे हुए हैं मैग्नेट्स जो हैं, वो इसमें खुश ना हो। अब ये एक नई थ्योरी मैंने सुनी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड होने देंगे तो फिर ये जो खा कमा रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में पैसा जाता है
उनको शायद वो सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर एक चीज और आपने शायद नोटिस की हो, आप हमें बता सकेंगे कि भारत में जो पब्लिक है वो अपने, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे ऑथर हो, या आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, उन सबको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बहुत उनसे बहुत मिला जाता है। सर उसमें से एक चीज भी पाकिस्तान में नजर नहीं आती, ना हम अपने आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, ना सिंगर की करते हैं, ना जर्नलिस्ट की करते हैं, ना मीडिया की, हर एक के कोई उल्टा सीधा नाम हमने रखे होते हैं और सबको हम जो है ना वो बुरा भला बोल रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक तो निफासत इनके करीब से कभी नहीं गुजरी। ये चीजें सेंसिटिव होने की निशानी है ना, कि आप आर्ट के, आप आर्टिस्ट के, आप क्रिएटिव राइटर के, आप पोइट के जो कमाल है उसको आप बहुत वैल्यू करते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो इस किस्म का जो एक्सट्रीमिज्म जो है उसके अंदर लोग गोते लगाते हुए मुझे नजर आते हैं। हाँ जी, वो सुना है कोई टर्किश कोई सीरियल है जो बस घोड़े दौड़ाना और वो तलवार चलाने के चक्कर में ये लगे फिरते हैं। हाँ जी, लगे फिरते जी पंजाब जी बोल दिया है, जी यानी ये जी उसी के अंदर आई है। तो अंडरस्टैंड, जी 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 बिल्कुल। आपके लेकिन अच्छा भला यार गालिब उर्दू के हाँ पोएट, कल मैंने फोटो लगाई उस्ताद दाग, वो उस जमाने के बादशाह सफर के वो थे उस्ताद। तो कल हम दिल्ली में, मैं और राकेश जी जब फिर रहे थे तो उनका जहाँ पे रहने वाला था ना उनका, वो आ गया तो उसकी मैंने पिक्चर उतारी है, मैं अभी भेज दूंगा। तो यहाँ पे तो हम तुर्कमान गेट से दिल्ली में एंटर हुए और शुरू में तो सारी दुकानें, सारा लोकेलिटीज मुसलमानों की हैं, मस्जिद है, साथ ही एक हिंदुओं की दुकानें शुरू हो जाती हैं, फिर मंदिर है, फिर गुरुद्वारा है। यानी सदियों से लोग यहाँ पे मिलजुल के ही रह रहे हैं। और आप यकीन माने पुराने लाहौर में भी इस तरह ही था, एक जगह पे ही सारे लोग होते थे, वो वहाँ पे अब खत्म ही हो गया है और कोई नफीस जहन नहीं है म्यूजिक के साथ। वैसे हालांकि हमारे सिंगर सुंगर जो है काबिलियत के एतबार से तो बेचारे बहुत, उनमें बड़ा टैलेंट है, बट जब आपको पैटर्नाइज ही कोई ना करे और स्टेट इन सब चीजों को ममनू करार दे दे या हराम करार दे दे, तो उसमें आप अगर एंजॉय भी कर रहे हैं तो गिल्टी कॉन्शियंस भी साथ साथ है कि मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ यही ममनू है। तो ये इस किस्म की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने का जो है ना कमाल, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। मैं ऐसे तो कहता हूँ, किल जी किल जॉय, जॉय खुशी, किल जॉय आइडियोलॉजी, कोई ऐसा खुशी ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर कश्मीर जाने का कोई इरादा है आपका? कश्मीर आप जाएंगे? मैं चाह रही थी कि आप एक चक्कर कश्मीर का भी लगा लें, जरा देखें तो क्या जुल्म ढा रहा है भारत वहां पे, और कितनी फौज लगी हुई है, और ये लोग सुना है नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते। पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है जो खबरें आती हैं उसके हिसाब से, तो न्यूज सुनकर लगता है बहुत ही वहां पे जो है मुश्किल हालात में लोग हैं। तो ये और बात है कि ये हमारी अपनी न्यूज है और कितनी सच्चाई है वो भी हमें पता है, लेकिन अगर आप चले जाते तो सर अच्छा था, थोड़ा वहां का बिल्कुल, भी हाल देख लेते। मैं सिर्फ वहां गया हूँ जहां मुझे लोगों ने बुलाया है, मैं खुद अपने मर्जी से कहीं नहीं गया। तो अगर कश्मीर से कोई सीरियस होती इनविटेशन तो मैं चला भी जाता, लेकिन वहां से इनविटेशन कोई नहीं आई, तो इसलिए, वरना हर जगह मुझे आती है इनविटेशन और बोरा आने जाने का टिकट भी वही लोग देते हैं, होटल में रहना हो या किसी के घर रहना हो भी ये भी वही करते हैं। क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ आई कैन ओनली शेयर माई रिसर्च एंड माई आइडियाज, पैसे तो मेरे पास नहीं है, प्रोफेसरों के पास कहाँ पैसे होते हैं। तो बिल्कुल। इस कश्मीर से अगर कोई दावत आती जैसे तो तो मैं जरूर सर अभी उस, तो आप वहां पर हैं ना सर, मेरे दोस्त हैं वहां पर कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको इनविटेशन भेजें, और उसके बाद जो भी सारा होता है, सारी फैसिलिटीज वो भी आपको प्रोवाइड करें। तो मैं चाह रही थी कि चाहे 2 दिन के लिए सही, लेकिन आप एक बार कश्मीर भी वो मैं आते तो बहुत अच्छा था। बड़ी खुशी से जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वापसी का टिकट तो हमने नहीं ना लिया अभी तक, वो हाँ तो 3-4 दिन आगे पीछे हो ही सकता है। बिल्कुल तो अगर ठीक, एक इनविटेशन आ जाए और तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगा कश्मीर, बिल्कुल देखने का तो मुझे बहुत शौक है।
शायद वो तुम्हारी तरह वो लड़की है शायला खान, उसने पूछा था कि आप ये बताएं कौन सी एक विश जहां आप इंडिया में जाना चाहते हैं, तो मैंने कश्मीर ही कहा था, लेकिन इनविटेशन के बगैर मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं हाँ सर, मेरी तो दोस्त हैं याना मीर, मैं नाम भी बता देती हूँ, मैं याना को आज ही कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो इनविटेशन भेज सकती हैं, तो वो यकीनन आपको इनविटेशन मिल जाएगा और आप ज़रूर जाइए, चाहे एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लेकिन आपका आप वहाँ जाएंगे और उसके बाद जो आप हालात बताएंगे तो वो यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो हम ठीक अपनी है, तरफ से एक नक्शा बना के बैठे होते हैं हर बात का। मैंने यहाँ पे तो नक्शा देख लिया है, हर ऑफिस के अंदर मुसलमान काम करते हैं। आज मैं गया हुआ था उर्दू बोर्ड जो है, उर्दू तरक्की, वो उर्दू तरक्की अंजुमन अंजुमन, और वहां पे हैं अतर फारूकी साहब जो बहुत बड़े खुद प्ले राइट हैं, अफसाना निगार हैं, वहां पे और भी बड़े बड़े राइटर आ गए, तो हमने सारा ही आफ्टरनून उनके साथ गुजारी, बड़ी मज़े की बातें होती रहीं। और वही दिल्ली का, यहाँ का जो कल्चर है मुसलमानों का हिंदुओं का मिला हुआ, बड़ा वो नफीस किस्म का है, रफनेस नहीं है उसके अंदर, अदब अदाब बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सारी आफ्टरनून वहाँ पे गुजरी है। आई डोंट थिंक यू फॉलो ऑन फेसबुक, मैं हर चीज़ फेसबुक पे लगा देता हूँ। सर मैं कह रही हूँ बिल्कुल, फेसबुक पे आप मेरे साथ हैं, मैंने देखा है, अब बल्कि आपने इंडियन मोबाइल नंबर भी दे रखा है वहाँ पे, हाँ लेकिन बस मैं बिल्कुल, हमेशा आपके इसी नंबर पे कांटेक्ट करती हूँ, मगर लेकिन बिल्कुल देखती हूँ सर मैं। तो सर अभी आप कितने दिन है, अभी आपको कितना कितना टाइम हो गया है भारत में, कितने दिन हो गए? देखिए 7 मई को आया था, तो आज क्या हो गई है, आज हो गई है 22 22 जून 22 तो कल मैं जा रहा हूँ ना बेंगलोर, और 28 को मैं जा रहा हूँ हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन के बाद फिर गोवा जाना है। तो ये मेरा सारा 4 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, शायद 2-3 दिन वहाँ, एक हफ्ता ऐड कर लें आप, हाँ इस महीने के आखिर तक, तो ये 3 शहर हो जाएंगे। बाद में अगर ये कश्मीर जाना हो या कहीं जाना हो तो वो ऐड हो सकता है। मैं 7 से लेके 10, 11, 12 जुलाई तक वापस आ जाऊंगा स्टॉकहोम, डिपेंडिंग, अगर कोई ऐसी इनविटेशन नहीं है तो फिर साउथ इंडिया से होते हुए मुंबई के जरिए मैं वापस आ जाऊंगा 7-8 जुलाई के करीब, ऐसे है मैंने सोचा हुआ। बिल्कुल ठीक सर, मैं आज ही बल्कि आपके शो के फौरन बाद ही मैं याना से बात करती हूँ, और बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बता नहीं पाएगा कि कश्मीर का हाल क्या है, और यहाँ पे जो लोग हैं ज़रा उनकी भी आंखें खुलें कि किस किस्म की बातें करते रहते हैं और किस किस्म की बातें फैलाते रहते हैं खामखाई में, और इसी वजह से जो है सर एक टेंशन जो है वो बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। ये पाकिस्तान की वजह से जो इंडिया के मुसलमान हैं वो हमेशा उनके लिए मुसीबत हम बनते हैं, और कश्मीर के मुसलमानों को के लिए मुसीबत भी हम खड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो टेररिज्म हो जाती है तो फिर जाहिर है पुलिस इंक्वायरी शुरू होती है, तो वो किसी पे तो शक करते ही होंगे ना। तो ये सारा जुल्म जो यहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का रोल मैं सेंट्रल समझता हूँ। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक अच्छे हो जाएं तो आई टेल यू यहाँ पे जो टेंशन अब कभी कभी रिपोर्ट होती है वो भी होने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत कामयाब लोग हैं यार, मैंने हिंदुइज्म के बीच में जो डिस्कवर किया है वो हमारे कल्चर में नहीं है, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, नई नई बात सुनने को तैयार हैं, और जो कल्चर ओपन होगा ना टू न्यू आइडियाज वो ही आगे बढ़ेगा। हमने ताले लगा लिए हैं जेन के ऊपर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। होली जैसी खुशी की बात को हमने पूरी एक वो डायरेक्टिव भेज के तो बंद करवाया, फिर उसको रिमूव कर दिया। पाकिस्तान हैज बिकम ए स्टैंडिंग जोक बिल्कुल इन ऐसा है। इन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अनफॉर्चुनेटली, ये दुख की बात है। बिल्कुल ऐसा ही सर, और किसी तरीके से संभलने का नाम नहीं ले रहे ये, और बात है कि हम सब चीज जो है वो उधर जियाउल्लाह को और भुट्टो के टाइम से डाल देते हैं, लेकिन असल में सबका माइंडसेट उसी तरह तरीके का होता चला गया है, जी ये बढ़ता गया है। 70s में काम खराब शुरू हो गया था, और अब तो हालत ये है कि वो नलायक, देखो जियाउल हक को भी सेंस ऑफ म्यूजिक था, शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं एक्टर उनके घर रहते थे, उनके साथ बिल्कुल पार्टी
प्राइवेट, वो पब्लिकली तो इस्लामिस्ट थे लेकिन प्राइवेटली उनको ये शौक भी था। अब मुझे लगता है प्राइवेटली भी किसी को कोई शौक नहीं है सवाए यानी नफरतें फैलाने का, ये शौक है इन लोगों का। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, प्राइवेटली बड़ी महफिलें होती हैं यहाँ पर, और बड़ी जिनके पास पैसा है उनके घरों में क्या कुछ नहीं होता, म्यूजिक भी होता है और सब कुछ, हर चीज होती, सारा कुछ होता है। ये सिर्फ गरीबों के लिए है कि ये भी आराम है और वो भी आराम है, क्लास के लिए जो बेचारे जरा पढ़ लिख जाते हैं उनको आजादी चाहिए उनको ये दबा देते हैं। जिनके पास कारें हैं उसमें ना पुलिस का कुछ चलता है और बाकी तो वो सारी वो दुनिया ही दो है, दो दुनिया है ना। तो हम आम पाकिस्तानियों के साथ बुरा, यानी मैं आपको बताऊं जी कल्चर। हाँ बताएं बताएं। मैं आपको बताऊं सर, मैं क्योंकि एम्बेसीज वगैरह हमेशा से बहुत जाया करती हूँ, खास तौर पे यूरोपियन एम्बेसीज जो होती हैं, तो कोई दो तीन साल, तीन चार साल बल्कि पहले की बात है कि इटालियन एम्बेसडर थे, उनको मैं लेकर एक पाकिस्तानी साहब थे उनके घर, उन्होंने इन्विटेशन दिया मुझे कि जी डिनर है आप आइएगा और किसी एम्बेसडर को भी ले आइएगा। तो मैंने इटालियन एम्बेसडर से पूछा कि आप चलेंगे, वो कहने लगे हाँ ठीक है, उनको लगा ठीक है। वो उन्होंने एक दिन पहले जैसे होता है एम्बेसी के लोग गए, घर बार उनका चेक हो गया, बड़ा बड़ा सा घर था फेट में, ये वो कर वापस आ गए। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही थी उनके यहाँ दावत में, तो बहरहाल वो अपने एम्बेसी से पहुंच गए, मैं अपने घर से पहुंच गई उन साहब के घर। और जब हम अंदर दाखिल हुए, उनके घर के बेसमेंट थी और उस बेसमेंट में गए हैं तो वहां पे वो डांस चल रहे थे, लग रहा था कि पता नहीं कोई अरेबिक मूवी, वो हेलन साहब का हुआ करता था। खैर वो बड़ा डिसेंट होता था, ये बड़ा चोरा सा हो रहा था, तो वो बेचारे घबरा गए अम्बेसडर, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। वहां इस्लामिक कंट्री के अम्बेसडर बैठे हुए थे और वो एक एक धर्म उड़ा रहे थे बैठे हुए, तो वो भी मैंने नोटिस कर लिया, मैंने एक एक धर्म फेंक रहे। यू आर टेलिंग दिस बिकॉज़ ये अंदर की